तो फ्रेंड्स, मैं अभी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने लगी। तो आपको बता रही थी ना कि मसाले वाले आलू बैंगन बनाऊंगी। तो मैं आलूओं को मैंने और बैंगनों को मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। फिर इनका प्याज टमाटर के साथ मसाला बनाऊंगी और उसके साथ सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं कैसे आलू बैंगन कैसे बनाती हूँ। तो सुबह की मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर बार बार एक ही रूटीन हो जाती है, फिर आप भी नहीं वीडियो पसंद करोगे। तो मैंने कहा चलो कि आज दोपहर की रूटीन शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट किया कीजिए, अच्छा लगता है, थोड़े व्यूज़ भी आए। तो चलो, फ़िलहाल मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, पूरी अपनी तरफ से जैसे मुझे आता है वैसे कर ही रही हूँ। तो हाँ, ये मैंने आलू और बैंगन फ्राई कर लिए हैं, तो इनके बीच में अब मैं तड़के में ज़ीरा डालूँगी। ज़्यादा और कुछ नहीं डालूँगी, ज़ीरा ही डालूँगी। ज़ीरा डाला मैंने और अब प्याज डालूँगी बीच में, जब भुन जाएंगे, ज़ीरा थोड़ा भुन जाएगा अच्छे से, तो फिर मैंने बीच में प्याज ऐड किए और टमाटर और कुछ जो घर के मसाले होते हैं। वो पूरे दिन का आजकल काम है, पूरे दिन का ना, बहुत गर्मी ज़्यादा हो गई है, इतनी गर्मी हो गई, जैसे जैसे गर्मी का मौसम ख़त्म होने वाला है उल्टी गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो ये मैं कर रही थी अभी फ़िलहाल, बेटे को भी लेने जाना था, पूरा काम वगैरह फिनिश करके मैं फिर फ्रेश होती हूँ, फिर नहाती हूँ, क्योंकि पसीने से पहले ही पूरी गीली हो जाती हूँ। पूरे दिन का काम करना, मेरे थकावट हो जाती है और मेरी थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही। कल रात को भी मुझे आपसे कह रही थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा मुझे फीवर हो गया था। तो फिलहाल इतना मन भी नहीं था काम करने का, तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, कर रही हूँ। तो ये वाले बैंगनों के लिए मैंने वो भी कर इमली भी भिगो के रख दी थी। तो ये थोड़ा एक प्याज मुझे कम लग रहा था, तो ये मैंने एक प्याज और काट दिया बीच में, ये काट कर डाल दिया। फिर मैंने टमाटर भी छील दिए, टमाटर मैं हमेशा छील कर ही डालती हूँ ऊपर से उसका छिलका, क्योंकि मुझे छिलका इसका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब पक भी जाता है लेकिन फिर वो नहीं था, गलता नहीं है अच्छे से। तो छिलका वगैरह मैंने छील दिया। तो ये जब टमाटर प्याज डालती हूँ तो उसके बाद मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। तो ये फिर मैं बीच में मसाले डालने लगी हूँ। ये मसाले हैं, नमक में है, मिर्च है, हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा किचन किंग मसाला है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो हाँ, मेरे प्याज अब अच्छे से भुनने लगे थे तो मैं ये मसाले डालकर मिक्स कर लिए मैंने। तो चल, मैंने कहा अब मैं बीच में डाल लेती हूँ, और साथ में मैंने इमली भी डाली, इमली भी भिगोई थी, तो इमली भी मैं बीच में डालूँगी। इमली जब मैं डाल रही थी तो मैं आपको वीडियो बताना भूल गई, इमली भी मैंने भिगो कर रखी थी। तो जब थोड़ी सी, जब भी मैंने इसमें पानी ऐड किया था तो फिर मैंने इमली बीच में डाली थी। मैं बताना, वो वाली क्लिप मुझसे कट गई गलती से। तो अच्छे से जब टमाटर प्याज इसके अच्छे से भुन गए, अब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया, तो अब मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा सा, और इमली भी मैंने जो आपको बता रही हूँ मैंने रखी थी भिगो कर, तो मैंने वो भी डाल दी थी फिर पानी के साथ में। तो जब थोड़ा सा पानी में वो उबाला जाता है तो फिर उसके बाद इसमें वो डाल देते हैं बैंगन और आलू जो फ्राई किए थे, वो बीच में मिक्स कर दिए। फिर इनको अच्छे से कोई आधा घंटा 20-25 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तब तक साथ में थोड़ी इसकी जो तरी है ये भी गाढ़ी हो जाएगी, ग्रेवी भी, और फिर मसाला बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। और चावल मैंने साथ साथ बना लिए थे, रोटी मैंने तब बनानी थी जब बेटे को स्कूल लेने जाना था। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है अभी, जब हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, एक बार आप भी बना के देखिएगा। तो इस पर मैंने फिर लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली, फिर मैंने गैस वगैरह बंद की और मैं फ्रेश होने चली गई। और फ्रेश होने के बाद जब आई तो फिर मैं देखा कि फ्रेंड्स, तो बेटे को लेने चले गई, बेटे को स्कूल से लेकर आ गई मैं, गाड़ी आती है उसकी। तो अभी फिलहाल फिर बेटे को लेकर जब मैं गई तो फिर मैं आ गई, फिर आकर मैं ये रोटी वगैरह खाने लगी, सब्ज़ी बनाई थी आपको मैंने बना ली। तो देखिए सब्ज़ी आपको दिखा रही हूँ, सब्ज़ी सच में बहुत टेस्ट बनती है, एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो देखिए सब्ज़ी, मैंने आपसे कहा था ना इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी खुद ब खुद ही, देखिए कितनी टेस्ट है, बस खा देखिए फ्रेंड्स। तो जब हम ये खाते हैं फिर आपको बताती हूँ। गाड़ी हो गई तो फिर मैं बाहर बैठ के खा रही हूँ, मैं बेटे को भी दी, मैं भी खा रही हूँ। तो खाकर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है सब्ज़ी में, टेस्ट करके
तो फ्रेंड्स मैं बेटे को ट्यूशन भी छोड़कर आ गई और अब मैं शाम के लिए मैं अभी नहीं बना रही, बस अभी मैं ब्लॉग को एंड कहती हूँ। मैं आपको कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं 2 मिनट लेट गई थी, बेटे को ट्यूशन छोड़कर आई, तो थोड़ी देर बाद मैं लेने जाऊँगी, तो मैं यहीं पर ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है वो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।